आने वाली फिल्म है द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव, इसको ही रिलीज नहीं होने देंगे ये घोषित कर दिया। साथियों कैसे आप सब, उम्मीद आप सभी लोग ठीक होंगे। और आज के ब्लॉग का टाइटल आपने जैसे पढ़ ही लिया होगा, आज मैं एक बहुत बड़ी मूवी जो बहुजनों की आने वाली है जिसका नाम है द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव, ये मूवी रिलीज होगी या नहीं होगी, इन तमाम चीज़ों के मैं खुलासे करने वाला हूँ। और साथ ही आज है साथियों 264वीं गुरु घासीदास इनकी जयंती, तो इनके जयंती के उपलक्ष्य पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। चलिए ब्लॉग को शुरू करते हैं। तो साथियों कुछ ही दिनों बाद आने वाली है 15 जनवरी, और ये 15 जनवरी परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी इनका जन्मदिवस होता है। और इस दिन पर हम जन कल्याणकारी दिन मनाते हैं, आर्थिक सहयोग दिवस मनाते हैं। पूरे देश और दुनिया से इस बहुजन समाज पार्टी को चलाने के लिए मजदूर गरीब तबके के लोग, SC ST OBC और तमाम तरीके के ऐसे मानवतावादी विचार रखने वाले लोग बहुजन समाज पार्टी को आर्थिक सहयोग करते हैं, और जिसके बदौलत पूरे देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी चलती है। और इसी के तहत हम बहुजन समाज पार्टी का 15 जनवरी को जो कार्यक्रम लेने वाले हैं उसके उपलक्ष्य पर कुछ हम फंड इकट्ठा करते हैं। और उसके लिए मैं अभी जा रहा हूँ हमारे सिद्धार्थ प्रिंटर्स यहाँ पर, जहाँ की मैं आपको दिखाऊंगा कि हम किस तरीके से पत्रिका बना रहे हैं। तो साथियों जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं मेरे पीछे में, मैं पहुंच चुका हूँ सिद्धार्थ प्रिंटर्स यहाँ पर, जहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के तमाम तरीके के बैनर्स हम यहाँ पर बनाते हैं, बनाने के लिए देते हैं, जो हमारे सिद्धार्थ गजबीय है, जो हमारे भाई भी है और इस शॉप के मालिक हैं, जो कि एक प्रिंटिंग प्रेस का और बैनर्स पोस्टर्स बनाने का काम करते हैं। तो अभी मैं बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से जो 15 जनवरी को आर्थिक सहयोग दिवस, जन कल्याणकारी दिवस जो हम मनाते हैं, उसी उपलक्ष्य में जो हम कार्ड बनाने के लिए मैं यहाँ पर आया था, और वो कार्ड यहाँ पर लेते हैं। और वो कैसा है, उसका डिज़ाइन कैसा है, आखिर उसमें क्या लिखा हुआ है, वो भी इन्फॉर्मेशन मैं आज के ब्लॉग में आपको देने वाला हूँ, तो बने रहिएगा। साथियों ये देखिए मैंने कार्ड्स अभी ले लिया है, अभी मैं चलता हूँ ताई के इधर, और वहाँ पर आज के जो घासीदास जो महाराज है इनके जयंती के उपलक्ष्य में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे बहुजन कैलेंडर से मैं देने की कोशिश करूँगा। और साथ ही आज की इस व्लॉग का जो टाइटल है, उस टाइटल के अकॉर्डिंग भी आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। साथियों मैं ताई के यहाँ पर पहुँच चुका हूँ, और जो आज का हमारे ब्लॉग का टाइटल है और उसके ऊपर मैं आपको काफ़ी सारी जानकारी मैं दिखाऊंगा, और क्या आखिर इस बात के पीछे में सच्चाई है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, वो भी मैं इन्फॉर्मेशन दूँ। तो साथियों जैसा कि मैंने आप सभी को सुबह ही बताया था कि आज गुरु घासीदास इनकी जयंती है, और इन्हीं के जयंती के उपलक्ष्य पर कुछ जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ, जो कि ये बहुजन कैलेंडर से, बहुजन कैलेंडर में ये बात लिखी हुई है घासीदास महाराज की जयंती के उपलक्ष्य पर कि इनका जन्म 18 दिसंबर 1756 में जिला बलौदा बाजार अविभाजित मध्य प्रदेश ग्राम गिरौदपुरी में एक साधारण परिवार में हुआ था, और साथ ही उनको भी जातिवाद ने शिक्षा ग्रहण करने से रोका था। दरअसल गुरु घासीदास ये ऐसे काल में हुआ, जन्म इनका ऐसे काल में हुआ था जिस समय भारतीय हिंदू समाज में जातिवाद, छुआछूत और धर्मांध और रूढ़िवाद के नाम पर मानव के साथ जानवर से भी बदतर सुलभ किया जाता था। और साथ ही घासीदास ने सतनाम पंथ की नींव रखी और लोगों के ऊपर हो रहे अत्याचार, छुआछूत और वर्ण व्यवस्था पर करारा प्रहार किया, और खासकर यह छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जाति उन्मूलन था जिसमें लोगों ने सतनामी पंथ को ग्रहण किया। तो ये जानकारी थी आज के इस घासीदास इनके साहब के जयंती के उपलक्ष्य पर, आपको और इस तरीके से जानकारी आज के और ब्लॉग में आपको आखिर तक मैं देते रहूंगा। तो साथियों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं बहुजन समाज से एक मूवी आ रही है जिसका नाम है द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव, और इस मूवी के पीछे में काफ़ी सारी कंट्रोवर्सी हो रही है कि ये मूवी शायद बनेगी या नहीं बनेगी, ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हो रही है। तो मैं आपको द थिंक एक सोच, हमारा जो यूट्यूब चैनल है, इस पर हमने एक वीडियो अपलोड किया है,
उसमें इस मूवी के डायरेक्टर रमेश सेठे सर ने इस पूरे पिक्चर के पीछे में जो खुलासे किए हैं वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है द थिंग एक सोच, इसको आप जाइए, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक देने वाला हूँ, और इस वीडियो को देख कर आप भी इस बात को समझिए कि आखिर इसके पीछे का क्या राज है। तो साथियों अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि जो इस मूवी के जो राइटर है उनका क्या कहना है इस मूवी को लेकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का नाम ले रहे थे बार बार कि मैं उनके विचारों पे चलता हूँ, मैं उनके जाति से हूँ, ये फिल्म दलितों के ऊपर है, ये किस इक्वेलिटी की बात करते, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। जो आने वाली फिल्म है द कटला भीमा कोरेगांव, इसको ही रिलीज नहीं होने देंगे ये घोषित कर दिया। ये दो सीन लिखेंगे तो भी 50,000, चार लिखेंगे तो भी 50,000, पूरी स्क्रिप्ट लिखेंगे तो भी 50,000, यह तय हुआ था। लेकिन हमने उनके खाते में जो उन्होंने हमको बोला था 12/12/2019 को 1,00,000 रुपए, 45,000 और टीडीएस के 5,000 ऐसे इनके खाते में हमने डाले। पहले एग्रीमेंट हुआ 50,000 का, तो मांगते 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 गए, हम देते रहे, चलो अपना आदमी है, और अब तुम मतलब तुमको उंगली पकड़ने को दिया हमने और तुमने हमारा गिरेबानी पकड़ लिया, और तुम ये कह रहे हो कि मैं तो इतना बड़ा राइटर हूं और मेरे को 36,00,000 रुपए चाहिए। लिस्ट मांग रहे हो ना अरुण शिंदे, तुम लिस्ट मांग रहे हो ना, तुमको अधिकार नहीं लिस्ट मांगने का, लेकिन तुम तो लिस्ट मांग रहे हो। मैं तो फिल्म में 3,000 लोगों के नाम पते और मोबाइल नंबर के साथ उनके नाम आएंगे फिल्म में, बिकॉज दे आर द एक्चुअल प्रोड्यूसर्स, मैं तो निमित्त हूं। 3,000 लोग यदि किसी व्यक्ति पे विश्वास करते तो उसका मतलब है। तो इस मूवी के जो डायरेक्टर है रमेश थेटे सर, इनका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ये कहना है कि जिस बजट में पिक्चर राइटर को लिखने के लिए दी गई थी उसी में उतना ही एग्रीमेंट में वो पैसे उनको दिए गए हैं, और उसके बल्कि उसके 3 गुना पैसे उनको दिए गए हैं, ऐसा उनका कहना है, और अभी वो 36,00,000 रुपए की मांग कर रहे हैं जो इस मूवी के राइटर। तो साथियों ये एग्रीमेंट से ये समझ में आता है कि एक बार अगर आप किसी चीज का एग्रीमेंट करते हैं तो उसके बाद में आप किसी और बाकी दूसरे पैसों की मांग नहीं कर सकते, और पूरे बहुजन समाज का यही कहना है कि बड़े मुश्किलों से हम इस तरीके से ऐतिहासिक इतने बड़े पैमाने पर कोई मूवी कोई पिक्चर आती है तो इसको रिलीज होने देना चाहिए, और बहुत अच्छी बात होगी जब बहुजन समाज को अपना ये गौरवशाली इतिहास पता हो। तो साथियों और एक मैं आपको खुशखबर देना चाहता हूँ यहाँ पर कि आने वाले 1 जनवरी भीमा कोरेगांव को हमारा पूरा टीम जो बहुजन समाज पार्टी का है वो तमाम लोग जो हम हमारे सभी मिशनरी साथी है वो सभी लोग हम चल रहे भीमा कोरेगांव, और ये हमारा टिकट भी हो चुका है बुक और रिजर्वेशन भी कंफर्म हो चुका है। तो जो भी लोग साथी मुझे यहाँ से देख रहे हैं और जो भीमा कोरेगांव में आने वाले हैं उन तमाम साथियों को मैं वहां पर मिलने वाला हूँ, और हमारी पूरी टीम आप सभी को वहां पर मिलेगी, और भीमा कोरेगांव पर जो व्लॉग है वो तो जरूर आने वाला है, तो आप बिल्कुल मेरे व्लॉग में बने रहिए। तो साथियों आज के ब्लॉग में इतना ही, अगर आज के ब्लॉग में आपको कोई भी चीज अगर पसंद आए तो उसको लाइक कमेंट और शेयर इस ब्लॉग को जरूर कर दीजिएगा, और आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।